गृह मंत्री अमित शाह ने टीकाकरण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत के वैज्ञानिकों की अपार क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का परिचायक है। मेरठ वरिष्ठ शिक्षक नेता पूर्व MLC श्री ओम प्रकाश शर्मा का निधन। 4 दशकों तक मेरठ सहारनपुर शिक्षक स्नातक क्षेत्र से MLC रहे श्री शर्मा। CM योगी ने शोक व्यक्त किया। 100 पूर्व सिविल सेवकों के समूह ने प्रधानमंत्री मोदी को PM केयर्स फंड की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करते हुए एक खुला खत लिखा है। पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि किसी भी शक को दूर करने के लिए और जनता को जवाब देने के लिए PM केयर्स फंड में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। साथ ही जनता को यह बताना चाहिए कि इस फंड में कितने पैसे आए और इन पैसों में से कितने का इस्तेमाल कहां हुआ है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच मोदी सरकार बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस साल के बजट में खेती और किसानी को लेकर केंद्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। हरियाणा के पलवल सहित 5 केंद्रों पर शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, लेकिन जिला नागरिक अस्पताल में टीका लगाने के साथ ही अस्पताल में कार्यरत धोबी अरुण व स्टाफ नर्स नीता बेहोश होकर गिर पड़े। करीब 20 मिनट बाद दोनों को होश आ गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में शनिवार को एक गार्ड को कोवैक्सीन टीके की पहली खुराक लगाए जाने के बाद एलर्जी हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों की आज सशस्त्र आंदोलन की धमकी और वाशिंगटन DC में मार्च निकालने की धमकी के बीच अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। भारत में अपने बाजार को खिसकता देख व्हाट्सएप ने यहां के लिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल लागू करने से टाल दिया है। वह भारत के लिए लागू होने वाली प्राइवेसी पॉलिसी की समीक्षा भी कर रहा है। राजस्थान के जालोर जिले में एक हादसे में बस में सवार कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एक बस अनियंत्रित होकर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार से जा टकराए और उसमें आग लग गई। उत्तर प्रदेश में 15 IAS अफसरों के हुए तबादले। राजकमल यादव को DM बागपत बनाया गया। वंदना वर्मा को निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। प्रतीक्षारत IAS शिवाकांत द्विवेदी को विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। डॉक्टर काजल को मिली विशेष सचिव बेसिक शिक्षा के पद पर तैनाती। श्रीमती शकुंतला गौतम जिलाधिकारी बागपत को निदेशक स्थानीय निकाय बनाया गया। प्रीति शुक्ला आयुक्त विंध्याचल मंडल को स्थानांतरित कर सचिव खाद्य एवं रसद विभाग बनाया गया। योगेश्वर राम मिश्रा को विंध्याचल मंडल का मंडल आयुक्त बनाया गया। मनीष कुमार वर्मा को जिलाधिकारी जौनपुर बनाया गया। गौरव दयाल को कमिश्नर अलीगढ़ का चार्ज मिला। अमित कुमार गुप्ता मंडल आयुक्त आगरा बनाए गए। संजय कुमार सचिव वित्त विभाग बनाए गए। विकास गोठवाल को सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के पद पर भेजा गया है। अनिल कुमार तृतीय को जल निगम का प्रबंध निदेशक एवं सचिव नगर विकास के पद पर भेजा गया। दिनेश कुमार द्वितीय को जौनपुर DM से हटाकर आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा का चार्ज मिला। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।